भिंड नगर में पिछले कई महीनों से देश की नामी गिरामी टाटा कंपनी द्वारा वाटर प्रोजेक्ट व सीवर प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा है, जिससे जगह जगह नगर की सड़कें खुदी होने से रहवासी बेहद परेशानियों का सामना करने को मजबूर हैं। अभी कुछ दिन पहले 4 दिनों की बारिश में तो शहर कीचड़ कीचड़ हो गया था, जिससे लोगों में काफी आक्रोश भी व्याप्त था। नगर के लोगों के द्वारा कई शिकायतें विधायक संजीव सिंह कुशवाहा तक पहुंच रही थी। इसके कारण आज शनिवार को विधायक श्री कुशवाहा शहर में टाटा कंपनी द्वारा किए जा रहे रिस्टोरेशन कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए सड़कों पर निकल पड़े और अपने ही हाथ में कुदाली लेकर सड़क की गुणवत्ता जांचने में जुट गए। यही नहीं, उन्होंने अपने सामने ही मजदूर से सड़क खुदवाई। यहाँ उन्होंने कहा कि सड़क ऐसे खुद रही है जैसे कि मिट्टी खोदी जा रही हो, कंक्रीट की बनाई हुई सड़क ऐसी नहीं होती है। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने टाटा कंपनी के कारिंदों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले को मैं विधानसभा में उठाऊंगा और टाटा सहित को जेल भिजवा दूंगा। तुम लोगों की तो खैर नहीं, तुम्हें तो ऊंची बिल्डिंग पर ले जाकर उल्टा लटकाऊंगा। इस वाक्य के वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री कुशवाहा ने टाटा के कर्मचारियों से कहा कि आज 29 तारीख है, यदि 6 फरवरी तक काम सही तरीके से नहीं हुआ तो तुम सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। विधायक पहले भी नगर पालिका और अमृत योजना के अधिकारियों को लताड़ लगा चुके हैं। टीम भारती न्यूज। देखिए, टाटा के द्वारा जो पानी की लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, जिससे शहर पूरा अव्यवस्थित हो गया है। चाहे जहाँ खोद देते हैं, चाहे जहाँ पानी की लाइन डाल देते हैं, फिर महीनों तक खुदा डला रहता है, जिससे आम जन को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों की बहुत शिकायतें आ रही थी, तो आज मैं सुबह सुबह 4-5 वार्डों में गया, उनके अधिकारियों को लेकर गया, नगरपालिका के अधिकारियों को लेकर गया, और जो गलियां उन्होंने कई महीनों पहले खोदी थी, जहां उनकी टेस्टिंग भी हो गई है, हाइड्रो टेस्टिंग भी पूरी हो गई है और लाइन भी डल गई है, लेकिन उन्होंने रेस्टोरेशन का कार्य नहीं किया है, उनको मैंने अवगत कराया और टाइम लिमिट दी कि इस टाइम में उनको ये कार्य पूरा करना है। और जहाँ जहाँ उन्होंने रेस्टोरेशन किया है उसकी गुणवत्ता भी जाँची, कुछ जगह गुणवत्ता ठीक नहीं मिली, उनको मैंने समझाइश दी है कि इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें और नगर में भी जो छोटी गलियां हैं प्रायोरिटी फिक्स करें कि कौन कौन सी गलियां हमको पहले रजिस्ट्रेशन करना है और जो भी खुदी पड़ी है उनको जल्दी से जल्दी ठीक करें। आपने अमृत योजना के खुद अधिकारियों को चेतावनी भरी लहजे में भी कहा था कि कार्य ठीक से करो नहीं तो ऊपर टांग दूंगा, इसका क्या मतलब? अब तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इनके कार्य प्रणाली से, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग उन गलियों से निकलते हैं वो गिर पड़ते हैं, चोट लग जाती है, मोटरसाइकिल वाले साइकिल वाले सब परेशान हो रहे हैं। तो अगर इस तरीके के उनकी कार्य प्रणाली बनी रहेगी तो फिर क्या किया जाए? Subscribe now to most exciting channel ever.